सुनीताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाते हैं फ्राइड राइस। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। फ्राइड राइस के लिए मैंने पहले से ही बासमती चावल उबाल करके रख लिया है। देखिए हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है, ये कढ़ाई गर्म हो चुका है। इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। आवश्यकता के अनुसार कम या ज़्यादा आप कर सकती हैं। घी पूरा पिघल गया है, आप चाहे तो इसी स्टेज पर थोड़ा सा जीरा भी डाल सकती हैं, लेकिन मैंने इसमें नहीं डाला है। मैंने सब्जियों को काट के बारीक काट करके रखा हुआ था। इसमें अदरक मिर्ची और प्याज हमने डाल दिया है। 1/2 कप गाजर भी काट करके रखा हुआ था और शिमला मिर्च दोनों 1/2 कप था, वो दोनों भी हमने डाल दिया है। इसको धीरे धीरे चलाते हुए भूजेंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। इसको मीडियम हाई फ्लेम पर भूजना है। देखिए हमारी सब्जी पक रही है। आप अपने आवश्यकता के अनुसार जो भी आपको पसंद हो वो सब्जी आप डाल सकती हैं इसमें। आजकल मार्केट में हरी सब्जी ठंड के मौसम में बहुत मिलती है, बीन ब्रोकली सब सारा चीज डाल सकती हैं। ये मैंने 1/2 कप मटर रखा था छील करके, वो हमने डाल दिया है। उसको भी मिला करके भूज लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि सब्जियां जल्द नरम हो जाए। ये देखिए हमारा जो भी हमने सब्जी डाली थी वो पक गया है। हमने जो चावल बासमती चावल जो उबाल करके रखा हुआ था, 2 बॉल चावल हम उसमें डाल देंगे। उसके बाद उसमें 2 चम्मच सोया सॉस डाल देंगे। सॉस आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कम ज़्यादा कर सकती हैं। आप चाहे तो इसमें टमाटो केचप, विनेगर, सेजुएन सॉस, जो भी आपको सॉस पसंद हो आवश्यकता के अनुसार आप इसमें मिला सकते हैं। इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे अपने स्वाद अनुसार। ये देखिए कितना सुंदर हमारा फ्राइड राइस बनके तैयार है। चावल डालने के बाद हम फ्लेम को हाई कर देंगे और जल्दी जल्दी इसको चलाएंगे, अच्छी तरीके से चलाएंगे ताकि हमारे चावल टूटे नहीं। देखिए बनके तैयार हो गया है, कितना सुंदर लग रहा है। ये खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट लगता है। अब हम इसको सर्व करते हैं। आप इसे पनीर, मंचूरियन, आलू गोभी की सब्जी, रायता किसी के भी साथ में खा सकती हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कैसा लगा आपको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।